नमस्कार दोस्तों, ई रिक्शा टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंट्रोलर के बारे में बताने वाले हैं कि कंट्रोलर कितना प्रकार का होता है। और ये हमारे पास जो है ये 5 कंट्रोलर रखे हुए हैं, तो हम बताने वाले हैं कि कौन सा कंट्रोलर आपके ई रिक्शा के लिए बेस्ट होगा। तो हमारे पास जो 5 जो कंट्रोलर हैं ये इसके बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एवं यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये जो पहला कंट्रोलर है वो है QHD टाइप का कंट्रोलर है। यह QHD टाइप का दोनों ही कंट्रोलर QHD टाइप का कंट्रोलर है। दूसरा जो है ये ईट्रॉन टाइप का कंट्रोलर है। ये दूसरा कंट्रोलर जो है ये ईट्रॉन मॉडल का है। और तीसरा कंट्रोलर जो है ये YF या यूफेंग मॉडल का कंट्रोलर है। आइए हम बात करते हैं पहले कंट्रोलर के बारे में। ये हमारा जो पहला जो कंट्रोलर है ये QHD टाइप का कंट्रोलर है। और ये जिन ई रिक्शा में पीछे वायरिंग होता है उन पे ये कंट्रोलर लगाया जाता है। जिनकी गाड़ी में बैक सीट पर जो कंट्रोलर होता है तो वो QHD कंट्रोलर लगा होता है। आज हम जितने भी कंट्रोलर्स की बात करने वाले हैं सभी 48 वोल्ट के, यानी कि 4 बैटरियों की जो गाड़ी होती है उनके लिए ये कंट्रोलर है। तो QHD कंट्रोलर जो है इसका वायरिंग जो है ये काफ़ी आसान होता है और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। QHD वायरिंग पे आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। इसका वायरिंग करना काफ़ी आसान होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो 5 जो वायर है इसमें से लाल काला जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जबकि ये 3 तार जो आप देख रहे हैं पीला ब्लू और हरा ये मोटर में कनेक्ट होता है। और इसका वायरिंग जिससे आप देख सकते हैं ये वायरिंग जो है इसका वायरिंग काफ़ी आसान होता है। इसका वायरिंग ज़्यादा पेचीदा नहीं होता है। इस वीडियो में हम आगे इसकी वायरिंग का भी बात करेंगे जो कि काफ़ी इसका आसान होता है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो दूसरा कंट्रोलर आप देख रहे हैं ये भी QHD टाइप का ही कंट्रोलर है, लेकिन ये कंट्रोलर जो है ये CY का कॉपी कंट्रोलर है। ये देखिए आप यहाँ लिखा होगा CY का ये कंट्रोलर है। और ये भी 48 वोल्ट का है और ये इसका करंट 50 एम्पीयर तक ये करंट देता है। दोनों ही कंट्रोलर एक ही काम करता है, पर ये सिर्फ अलग अलग कंपनी का है। एक CY का है तो जबकि दूसरा QHD कंपनी का है। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले कंट्रोलर की। हमारे पास जो अगला कंट्रोलर जो है ये ईट्रॉन मॉडल का कंट्रोलर है, जो कि एक गोल्ड कंट्रोलर है। और यह कंट्रोलर देखने से ही काफ़ी अलग लग रहा है। और ये इस कंट्रोलर का वेट भी बाकी कंट्रोलर से ज़्यादा है और इस कंट्रोलर का प्राइस भी बाकी कंट्रोलर से ज़्यादा है। और ये इस कंट्रोलर की लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कंट्रोलर काफ़ी दिनों तक आपके ई रिक्शा में चलता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ये 24 ट्यूब का कंट्रोलर है, यानी कि ये 24 MOSFET से बना हुआ 1000 वाट का कंट्रोलर है। और ये कंट्रोलर काफ़ी दिनों तक चलता है। यह कंट्रोलर ड्राइविंग सीट पर रहता है, यानी कि यह कंट्रोलर फ्रंट में रहता है। और कई ई रिक्शा की कंपनी है जो अपनी गाड़ियों में यह कंट्रोलर देती है और इस पर साल भर की वारंटी भी देती है। QHD कंट्रोलर के मुकाबले इस कंट्रोलर का वायरिंग काफ़ी अलग होता है और इसे आप आसानी से, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है इसका वायरिंग करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका मोटर का वायर जो है लाल और काला जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, जबकि जो 3 तार बाकी ये देख रहे हैं ब्लू पीला और हरा ये तीनों तार जो है वो मोटर के वायर्स हैं। लेकिन इनका जो वायरिंग होता है बाकी जो वायर्स होता है इनका वो थोड़ा सा अलग होता है इसमें। और इसका जो इसमें भी कौन सा वायरिंग लगता है इसके बारे में भी आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो बढ़ते हैं हम अब अगले कंट्रोलर की तरफ। तो हमारा जो तीसरा जो कंट्रोलर है ये YF टाइप का कंट्रोलर है, या जिसे हम यूफेंग कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये देखते हैं ये भी हमारा 48 वोल्ट का कंट्रोलर है। और यह इस कंट्रोलर को हम ई रिक्शा के पीछे यानी कि बैक सीट पर और फ्रंट सीट पर दोनों जगह लगा सकते हैं। यह कंट्रोलर आपके बजट के अनुसार आता है और यह कंट्रोलर जो है गाड़ी के आगे फ्रंट में और पीछे दोनों तरफ इसे कंट्रोलर को इसे लगा सकते हैं। और इस कंट्रोलर का वायरिंग भी QHD की तरह ही होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, पर यह कंट्रोलर QHD जैसा ही सेम टू सेम रहता है। और हमारे जो देख रहे हैं ये दूसरा जो कंट्रोलर देख रहे हैं ये भी यूफेंग का कंट्रोलर है, लेकिन यह ब्रशलेस कंट्रोलर है। और यह कंट्रोलर 1100 वाट का कंट्रोलर है। और इस कंट्रोलर का क्वालिटी जो है दोनों कंट्रोलर सेम है, पर इस कंट्रोलर का क्वालिटी उस कंट्रोलर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। और इस कंट्रोलर की लास्टिंग उस कंट्रोलर के मुकाबले इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और ये कंट्रोलर थोड़ा सा उस कंट्रोलर के मुकाबले इस कंट्रोलर का वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और यह इस कंट्रोलर का वायरिंग भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि यूफेंग कंट्रोलर और QHD कंट्रोलर्स में रहता है।
तो ये भी Yaofeng का ही कंट्रोलर है, लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है। QHD की तरह इसका भी वायरिंग करना आसान है, और इसे आप कलर बाय कलर आसानी से इसमें वायरिंग आप कर सकते हैं और इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने अब पांच कंट्रोलर की बात कर ली है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सा वायरिंग आप इसमें कौन सा वायरिंग के साथ इसे कनेक्ट करना चाहिए और कौन सा वायरिंग के साथ ये कनेक्ट होगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आइए बात करते हैं, ये हमारा जो वायरिंग जो देख रहे हैं आप ये वीडियो में, ये जो है QHD का वायरिंग है। और ये QHD का वायरिंग जो होता है वो CY और QHD जो है ये दोनों कंट्रोलर्स जो होता है इसमें आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि जिन गाड़ियों में बैक सीट पर जो कंट्रोलर होता है उस पे इसे लगा। तो हम बात कर रहे हैं आपकी e-tron टाइप के जो कंट्रोलर होते हैं इसमें कौन सा वायरिंग लगेगा। तो इसमें आपको मेलोडेक्स या फिर ट्रिपल या फिर कई तरह की कंपनियाँ हैं जो फ्रंट वायरिंग इसमें लगेगा। ड्राइवर जिस सीट पर बैठता है उसके नीचे जो कंट्रोलर रहता है तो उसमें ये वायरिंग लगेगा। और इन सब कंट्रोलर के लिए आप 6mm या फिर 10mm का वायरिंग लगा सकते हैं, जिसके लिए जो आपके रिक्शा के लिए सबसे बेहतर होगा। उसी प्रकार से यह वायरिंग जो है आप फ्रंट वायरिंग जो है ये आपका Yaofeng कंट्रोलर में भी यह वायरिंग लग जाएगा, लेकिन यह वायरिंग QHD कंट्रोलर में यह वायरिंग नहीं लगने वाला है। और इस वायरिंग को आप इस दोनों e-tron मॉडल और ये फिर जो देख रहे हैं Yaofeng मॉडल दोनों में आप लगा सकते हैं, लेकिन यह QHD टाइप कंट्रोलर में नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, एवं ई रिक्शा से जुड़ी इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।